जाहिर 235 रात 33 आवर्स तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आप पे 65 आई थिंक फर्स्ट क्लास मैसेज हैं और मैचेज हैं और अब आपको कैसा लगा कि एक डेड ट्रैक के ऊपर बॉलिंग करने का? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जैसे कि पिच जो भी थी लेकिन एज ए प्रोफेशनल हमें वहाँ पे बॉलिंग करनी है और वहाँ पे भी परफॉर्म करना है। जो चांस मिला है तो उसको कोशिश अपनी पूरी की कि अपनी तरफ से अपना 100% दूँ और परफॉर्म करूँ। जी नसीम, आज जब आप ग्राउंड में उतरे और क्या सोच थी आपकी, क्योंकि 4 सेंचुरियां बन चुकी थी इंग्लैंड के खिलाड़ियों की, विकेट भी जो है पिच भी मददगार नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी एक अच्छा आपने परफॉर्म किया, तो क्या जेन में था कि आपने इतने टारगेट के अंदर इनको आउट करना है, या कोई ख़ास इंस्ट्रक्शन थी? नहीं देखिए, क्रिकेट की तो ये खूबसूरती है कि आप हर सुबह उठते तो डिफरेंट चीज़ें होती है और आसान नहीं होता कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है, लेकिन एज़ अ प्रोफेशनल क्रिकेटर आपके पास क्रिकेट के अलावा और कुछ नहीं है, तो समटाइम मॉर्निंग मुश्किल होती है और यही था कि उठ के यही सोचा था कि यार हम हमारे हाथ में एफर्ट करना, पिच जैसे भी है जो भी है, और आया तो और मेरी ये सोच थी कि मैं अपनी एफर्ट करूँगा, जो मेरी स्ट्रेंथ है उस पर बॉलिंग करूँगा, क्योंकि थोड़ा सा यूज्ड टू हुआ अभी, पिछले T20 मैचेस काफ़ी खेले थे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा उसमें ताके आने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन आज काफ़ी बेहतर मुझे फील हुआ बॉलिंग। अच्छा, आप दोनों को क्वेश्चन है जी, कोई चांस अभी आपको फील हो रहा है कि कोई एक्साइटमेंट आ जाए इस टेस्ट में चौथे पांचवें दिन, या कुछ इस तरह की? सर इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट तो थी मैच में। देखिए हम लोग अपना जैसे नॉर्मल खेलते उस तरह खेलेंगे और क्रिकेट का कोई पता नहीं चलता, हो भी सकता है क्रिकेट है इसमें कुछ भी हो सकता है, और जिस तरह हम खेलते हैं हमारी कोशिश होगी कि हम अच्छा खेलें, अच्छे रन बनाएं और आगे देखते हैं जो होगा वो देखा जाएगा इंशाल्लाह। जाहिद, पाकिस्तान में लेग स्पिनर्स की बड़ी लेगेसी रही है, अब्दुल कादिर को ले लें या मुश्ताक अहमद या उसके बाद जो लेग स्पिनर, आपने भी आज डेब्यू पे रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन वो ऐसा रिकॉर्ड है जो शायद आपको काफ़ी हर्ट करेगा जब आपका करियर आगे बढ़ेगा, कि आपने 235 रन दिए जो डेब्यू पे भी सबसे ज़्यादा है और वर्स्ट बॉलिंग है पाकिस्तान की किसी बॉलर की, तो 4 विकेटें भी आपने ली, तो कैसा ये पूरी जर्नी रही कि ये ठीक टाइम था आपका, इस वक्त आप टेस्ट मैच खेलें फिर इस तरह की परफॉर्मेंस, कुछ अपने जो व्यूज़ हैं वो शेयर करें? जी देखें, डोमेस्टिक खेलते आते हैं हम और इसीलिए खेलते हैं कि पाकिस्तान के लिए खेलें, सो अपने तरफ से मैंने 100% कोशिश की थी, अपनी बॉलिंग की है, नो डाउट वो अच्छा खेले हैं, मेरा पहला मैच था लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। जाहिद, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे कि ये विकेट कैसा बिहेव किया कि इतना, मतलब वो जाहिर है कि वो तो T20 वाले फॉर्मेट पर खेल रहे थे इंग्लैंड, लेकिन इतना ज़्यादा अनरिस्पॉन्सिव होगा ये विकेट बॉलर्स के लिए, तो थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे विकेट को? जाहिर सी बात है सर, विकेट तो अच्छा है, नो डाउट इसमें कोई वो नहीं है, विकेट अच्छा है बैटिंग के लिए भी और वैसे भी, तो हमने लेकिन जिस जो भी विकेट हो हमें एज ए बॉलर हमें उस पर प्रूफ करना पड़ेगा, एज ए बॉलर हमने कोशिश की, अपनी तरफ से पूरी ट्राई की और अपनी तरफ से 100% कोशिश की। नसीम अहमद ट्रैकवेक से, मुश्किल ट्रैक था इसमें कोई शक की बात नहीं है, फास्ट बॉलर्स के लिए कितनी हेल्प नहीं थी, थोड़े से इंग्लैंड के बैट्समैन भी काफ़ी अग्रेसिव हैं, बॉल करना मुश्किल हो जाता है, बाउंड्री सेव करना। जेम्स एंडरसन ने आज स्टार्ट किया तो काफ़ी इकोनॉमिकल रहे, बहुत सीनियर बॉलर हैं, तो एज ए इंस्पिरेशन आप लोग देखते हैं जैसे कि जेम्स एंडरसन ने बॉलिंग की, यार इनसे कुछ सीखने का मुझे मौका मिले कि इसी ट्रैक पे वो जब गेंद कर रहे हैं तो किस लेंथ पे गेंद कर रहे हैं, वो किस तरह से ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं, रन के फ्लो को एटलीस्ट रोकने की कोशिश कर रहे हैं इस पिच पे? नहीं देखिए बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो एक दुनिया के बेस्ट बॉलर हैं ऑब्वियसली, लेकिन देखिए वो काफ़ी ज़बरदस्त शॉट्स भी खेले हैं, अर्ली ऑन भी वो खेले, बाद में भी खेले हैं, और कुछ मैं हॉनेस्टी के साथ बताऊंगा कि हम स्टार्ट पे इतने अच्छे जगह पे कंटिन्यूसली बॉलिंग नहीं की, लेकिन वो काफ़ी ज़बरदस्त शॉट खेले हैं, और जिस तरह हमारे खेल लिए उनका एक अपना स्टाइल है और हमारा अपना एक स्टाइल है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि हम भी उनको अच्छा खेलेंगे। जाहिद, आपका माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस है इन पिचेस का, समझते हैं कि चौथे और पांचवें दिन कुछ ज़्यादा टर्न होगा? जी बिल्कुल, जैसे जैसे पहला दिन था आज दूसरा दिन था तो आज कुछ डिफरेंट हो रहा था,
लेकिन मेरा ख्याल है ये चौथे पांचवे दिन कुछ स्पिनर्स को हेल्प करेगी। जी अस्सलाम वालेकुम नसीम शाह, बैराम काजी फ्रॉम ग्रासरूट्स क्रिकेट। आपसे ये सवाल था कि शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली की एब्सेंस में 19 साल की उम्र में ही आपके पास इस वक्त बॉलिंग अटैक में सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच एक्सपीरियंस है और आप स्पीयर हेड कर रहे हो अटैक को, लीड कर रहे हो अटैक को, तो किस तरह आप इस तरह के चैलेंज को टैकल करते हो और क्या मोटिवेशन आप लेकर उतरते हो ग्राउंड में? देखिए ऑब्वियसली शाहीन काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी उन्होंने और चैलेंज लाइफ में तो चैलेंज का ही मज़ा है और मैं लेता हूँ और मैं अपनी क्रिकेट को इंजॉय करता हूँ, अपनी बॉलिंग को और ख़ुद को ही मोटिवेट करता हूँ कि अपनी 100% एफर्ट करनी है और जो टीम को रिक्वायरमेंट उस हिसाब से मैं बॉलिंग करूँ और अपनी कोशिश करता हूँ, बाकी अल्लाह ताला मदद करता है। जब नसीम मेरा सवाल आपसे है कि इन डोसाइल पिचेस पे वसीम और वकार ने जितना रिवर्स स्विंग से विकेट्स ली, हमने देखा कि माजी में डेनिस लिली, ग्लेन मैकग्रा और इवन जिमी एंडरसन जो 175 टेस्ट मैचेस खेल चुके 19 साल के बाद आए यहाँ खेलने, रिवर्स स्विंग है या आप उनकी ग्रेटनेस के आप मुतरफ होंगे कि वसीम वकार को अगर इंग्लिश कंडीशन में बॉल मिलती तो 1000 विकेट लेते? पता नहीं सर, वो कितना इतना रिवर्स नहीं हो रहा, मैं भी हमसे इतना नहीं हो रहा, या हो सकता है कि थोड़ा सा बॉल तो दोनों तरफ से ऐसे था कि क्योंकि उनका भी उन्होंने भी बॉलिंग की है, माशाल्लाह वर्ल्ड क्लास बॉलर है, आपने रिवर्स देखा होगा कि कितना हुआ है, तो इतना ज़्यादा रिवर्स नहीं हो रहा था और वो माशाल्लाह बेस्ट बॉलर है, दुनिया के बेस्ट बॉलर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि जो हमारी स्ट्रेंथ है और क्योंकि अब सब कुछ चेंज हो चुका है और हम कोशिश करेंगे कि क्योंकि अब और उनके जो पुराने ज़माने की क्रिकेट थी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस थी उसमें, तो हम अपनी कोशिश करेंगे कि हमें जो आती है जो जो हमारी स्किल है हम उस पर कोशिश कर रहे हैं कि उसको और इम्प्रूव करें। नसीम बीइंग अ फास्ट बॉलर, आप इस पिच से मुतमिन हैं? कल की भी आपने बॉलिंग देखी, आज भी सूरत हाल क्या डिफरेंट नज़र आया? दूसरा हारिस रऊफ के बारे में कुछ थोड़ा सा आगाह करें कि क्या सूरत हाल है इस वक्त? हारिस के बारे में मैं अपडेट दे देता हूं। सो हारिस को कल जब फील्डिंग कर रहे थे तो वो रोल हो गए, फील्ड करते हुए रोल हो गए थे बॉल के ऊपर, तो राइट क्वाड जो था उसके अंदर स्ट्रेन आया हुआ है, उनको आज MRI के लिए लेके जाया गया है और फिर उसके बाद अभी उनकी रिपोर्ट आएंगी जिसके बाद हम मेडिकल असेसमेंट करेंगे। एज ऑफ नाउ सिर्फ वो एज अ प्रिकॉशन उनका वो MRI कराया गया और ही इज अवेलेबल टू प्ले। सर मेरे आपने मुतमईन की बात की, मेरे मुतमईन होने ना होने से कुछ नहीं होना, बस जाके जो चीज़ें मेरे हाथ में विकेट जैसे भी है, अब क्योंकि विकेट मेरे हाथ में बिल्कुल नहीं है कि वो किस तरह होनी चाहिए और किस तरह नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि जिस तरह भी पिच हो उस पर मेरी जो स्ट्रेंथ है और जितनी अल्लाह ने दी हुई है स्किल उसको उस पर कोशिश करता हूँ और डे बाई डे नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है और कोशिश करता हूँ कि सीखूं और उसको अप्लाई करूं। नसीम शाह साहब, ऐसी ही विकेट एक फैसलाबाद में थी तो डेनिस लिली ने बॉलिंग करवाते हुए कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे इस विकेट में दफन किया जाए, क्या आप समझते हैं कि ऐसी विकेट थी कि सर अब आप मुझे भी मारने के चक्कर में? अल्लाह यार आप बात सुने, आप थोड़ा सा मेरी टोपी या सलवार भी देखिए, ये ना समझे कि मैं कोई नया आया हूँ, ये सारे बच्चे हैं मेरे सामने बहुत सारे, एक तो मेरे लास्ट में बारी दे रहे हैं, मैंने सवाल पूछा है ना, मेरे नहीं नहीं पूछे, मुझे सवाल तो पूछने दे ना, आप पूछने दे, क्या तरीका तरीका आप अभी पैदा नहीं हुए थे, मैं स्पोर्ट जर्नलिज्म कर रहा हूँ, तरीका पूछने दे। सॉरी सर, दूसरा मेरी सवाल ये है कि जब फास्ट बॉलर जोर लगाता है तो उसको फिटनेस का भी प्रॉब्लम होता है ऐसी विकेट पे, क्या आप समझते हैं कि आपको खुदा ना खास्ता कोई ऐसा झटका लग सकता है इस विकेट पे? देखिए जाहिर है जब पिच थोड़ी सी अच्छी हो तो आपको जोर लगानी पड़ती है और वो बिल्कुल हमारे हाथ में नहीं है कि क्या क्या होगा और क्या नहीं होगा, मेरा एज अ फास्ट बॉलर यही कोशिश होती है कि जैसे भी विकेट हो उस पर कोशिश करता हूँ कि जो मेरी स्ट्रेंथ है उस पर बॉलिंग करूं और बाकी जो भी होता है उस पर इतना ज़्यादा सोचते नहीं है कि आगे इंजरी होगी, क्योंकि इंजरी भी लाइफ का हिस्सा है, वो आप किसी भी टाइम आ सकते हैं, आप ग्राउंड में
डाइव मारते हुए आप इंजर्ड हो सकते हो, किसी तरह भी हो सकते हो, तो ये है कि इंजरी तो किसी भी टाइम आ सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं इतना उस बारे में नहीं सोचता हूँ और कोशिश करता हूँ अपनी बॉलिंग पे फोकस करता हूँ। थैंक यू सर।